ओके, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो हमने कल कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया था और कंपनीज एक्ट के थोड़े बेस भी हमने देखे, कंपनीज एक्ट का बैकग्राउंड देखा. सबसे पहले कंपनीज एक्ट लाने में लगभग 2004 में कमेटी फॉर्म हुई थी. इट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जे ईरानी एंड देन दिस वाज पास इन लोकसभा राज्यसभा एंड बेसिकली द प्रेसिडेंट गिव द कंसेंट ऑन 29th August एंड 30th August 2013 दिस एक्ट वॉज इफेक्टिव. करेक्ट बात ये हुआ था. उसके बाद मैंने आपको कुछ बेसिक्स भी पढ़ाया लॉ का. ओके, प्रेसिडेंट मतलब जुडिशियल डिसीजन. जो कोर्ट डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट्स बोला जाता है. ओके, सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी सेक्शन नंबर होता है, पैराग्राफ नंबर, सेक्शन नंबर का मीनिंग क्या है, रेफरेंस नंबर. करेक्ट है बात. एंड पैराग्राफ के सब पैराग्राफ को हम कौन सा नंबर देंगे, सब सेक्शन नंबर. और पैराग्राफ के पैराग्राफ के सब पैराग्राफ को क्लॉज, और पैराग्राफ के पैराग्राफ के पैराग्राफ के पैराग्राफ को सब क्लॉज. बराबर है, ऐसा बात किया था. ओके, मैंने आपको कंपनीज एक्ट में बताया कि ये बेयर एक्ट है और ये कंपनीज एक्ट में लगभग 470 सेक्शंस है. ओके, पूरे सेक्शंस आपको एप्लीकेबल नहीं है सीएमए इंटर पे. ओके, 470 सेक्शंस पूरे एप्लीकेबल है. सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ, 7 स्केड्यूल्स है एंड 29 चैप्टर्स है. करेक्ट है. तो ऐसा करके आपका पूरा कंपनीज एक्ट है जो बेसिकली पहले 658 सेक्शंस था 1956 एक्ट में. 1956 एक्ट में अगर आप देख रहे हो 658 सेक्शंस. ठीक है, तो जैसे सिनेरियो बदला, समय बदला, तो लॉ को भी हमें चेंज करना पड़ता है. ओके, तो फिर हमने अकॉर्डिंगली नया लॉ पास किया है. अब सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने लिखने बोला था कि व्हाट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 20. आई गेस आपने लिखा है ना. लास्ट में क्या लिखा था आपने, कंपनी का डेफिनेशन लिखा था 2 सब सेक्शन 20. पहली बात, हर लॉ के डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर रहते हैं ज्यादातर, या कुछ कुछ एक्ट्स में सेक्शन 3 में रहते हैं. देखो जैसे बार बार वर्ड आता है डायरेक्टर, तो डायरेक्टर 50 जगह आता है, तो 50 जगह मीनिंग लिखने का मतलब नहीं आता है. तो एक ही बार डायरेक्टर वर्ड समझा दिया ऊपर सेक्शन 2 में. ओके, फिर अगर वर्ड आता है प्राइवेट लिमिटेड, तो बार बार प्राइवेट कंपनी आ रहा है, तो एक ही बार समझा दिया. तो हर एक लॉ में मोस्ट प्रॉब्ली सारे डेफिनेशंस या मीनिंग्स सेक्शन नंबर 2 में दिया जाता है बेटा. ये देखना, डेफिनेशंस, फिर जो जो वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया गया है, द कंपनी शुड, द कंपनी शुड, द कंपनी शुड, द कंपनी विल हैव टू, द कंपनी हैव टू टेक द परमिशन, बार बार वर्ड कंपनी आ रहा है, तो एक ही बार समझा दिया. और अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जाता है, ये देख रहा है, ए सब ए वाले जितने भी हैं, ए के बाद बी आएगा. ओके, बी के बाद सी आएगा, तब जाके आपने 2 सब सेक्शन 20 लिखा. इज इट राइट? करेक्ट है. तो हर लॉ में ज्यादातर सारे वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन क्या कर देते हैं, सेक्शन 2 में देते हैं. ओके, और सेक्शन 1 में क्या होता है, फिर सेक्शन 1 में लॉ का नामकरण होता है. ओके, क्या होता है बेटा, लॉ का नामकरण, कि लॉ का नाम क्या है, क्या नाम से पुकारेंगे हम, किस, हम सबका नाम है, यू कॉल मी बाय नेम, इसका नाम है, इसका नाम है. ऑब्जेक्ट्स को भी एक नाम दे दिया, फैन, टेबल, प्रोजेक्टर, क्रोमा क्लॉथ, फैन, ये तो दिख रहा है, ये सब हर चीज को नाम देना पड़ेगा ना. तो अगर मैं बोलता हूँ द कंपनी शुड हैव मिनिमम 2 मेंबर्स, कौन से एक्ट में लिखा है, नाम क्या है, कंपनीज एक्ट. करेक्ट है बात. और ये एक्ट पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है या एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया, समझे मेरी बात. तो पहली बात, ये लॉ का नाम क्या है, इसका एक्सटेंट क्या है. ओके, और एक्सटेंट मतलब कौन से एरियाज में लागू हो रहा है. ओके, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है, कब से कमेंस हो रहा है और किसको ये लॉ कंप्लाई करना है. जैसे पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप को, समझे मेरी बात, कंपनीज एक्ट, कंपनीज को करना है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो किन लोगों को ये लॉ एप्लीकेबल है, ये आपको मेंशन, स्कोप बोलते हैं हम इसको. क्या बोलते हैं बेटा, स्कोप, टाइटल, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड स्कोप. करेक्ट है. हर लॉ में ये पहली चीज रहती है, दैट इज सेक्शन नंबर 1. देखो ये एक्ट का देखते हैं अपन, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, मैंने स्कोप बोला. इट एक्स, देखो, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013. नामकरण, कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना. ठीक है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. करेक्ट है. दिस सेक्शन विल कम इन टू फोर्स, कब से आएगा, फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जब बोलेगा तब, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगा कि ये लॉ का डेट,
तो वहां से ये आपको सबको फॉलो करना है. और किन लोगों को फॉलो करना है? जो भी इस एक्ट में, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है. हाँ, प्रीवियस कंपनी लॉ याद आ रहा, पढ़ा था ना, कंपनीज एक्ट 1866, कंपनीज एक्ट 1882, कंपनीज एक्ट 1912, 42, प्रीवियस कंपनी लॉ को भी डिफाइन किया इन्होंने, लिस्ट है, समझे. लॉ स्टैटिक होता रहता है. अभी जो फिलहाल कौन सा एक्ट चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, करेक्ट है बात. इससे पहले क्या था, 1956, टाटा ग्रुप 150 साल से, 120 साल के ऊपर हो गए, तभी तो कंपनी लॉ था, 1956 से पहले भी तो था. तो जो भी पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड है या ये एक्ट में रजिस्टर्ड है, इनको ये लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा. टाटा ग्रुप ऐसा नहीं बोल सकता कि 2013 का लॉ हमने फॉलो, हम पुराने लोग हैं, हम अपना देखेंगे, ऐसा नहीं है. भले तुम पुराने एक्ट में रजिस्टर हुए, बट ये एक्ट आपको कंप्लाई करना पड़ेगा. इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, करेक्ट है, और एनी कंपनी इज अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ये पढ़ोगे स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. देखो सिंपल है, पार्लियामेंट में एक्ट पास करके भी कंपनी बनती है. LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, करेक्ट है, ये कंपनीज एक्ट के थ्रू नहीं बना है, ये पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, डिस्कस हुआ, हमने एक्ट पास करके हमने क्या बना दिया, एक तरीके से कंपनी बनाई है. LIC, LIC कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं आता, कंपनी एक्ट फॉलो करता है, बट उसका प्रकट हुआ, उसका बर्थ हुआ बाय स्पेशल लॉ पास इन द पार्लियामेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि लोगों में इंश्योरेंस जाना बहुत जरूरत है, पब्लिक हेल्थ के लिए इंश्योरेंस देना बहुत जरूरत है. तो गवर्नमेंट ने डिबेट करके, डिस्कस करके एक कहीं कहीं ना कहीं बॉडी बनाई, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. क्या बोलते हैं बेटा, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, करेक्ट है. लाइक अब मैं बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का जो बॉडी है वो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है. एक स्पेशल एक्ट पास करके आपका कहीं ना कहीं ये बना है. जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड. हाँ दिखाता हूँ मैं, बड़े एक काम करो आप, लिखो तब तक ये वाला स्लाइड, ये दिख रहा है टाइटल, क्या नाम है, कंपनीज एक्ट 2013 एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया. पहला कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हुआ, सेक्शन 1, करेक्ट है बात. सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स एंड रिमेनिंग प्रोविजन ऑन डिफरेंट डेट थ्रू डिफरेंट नोटिफिकेशन. पूरा लॉ एक दिन पे नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आया. पहले 70-80 सेक्शन आए, फिर 100-200 सेक्शन आए, फिर 100-200 सेक्शन आए. तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट में लॉ को अप्लाई किया कंपनीज एक्ट को. तो सर फिर कैसे करा, मैंने आपको बोला कि अगर 70 सेक्शन न्यू है तो बाकी सब सेक्शंस पुराने एक्ट के. फिर जैसे यहाँ के नए एक्ट के डेवलप हो गए, पुराने एक्ट के पेज फाड़ दो, फिर यहाँ के और सेक्शन डेवलप हो गए, पुराने वाले फाड़ दो. तो ये कंबाइन करके उन्होंने कंपनीज एक्ट को अप्लाई किया इंस्टॉलमेंट में, समझे मेरी बात. तो लिखो ये सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 टाइटल, टाइटल व्हाट इज द टाइटल, द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013 टाइटल. टाइटल के बाद एक्सटेंट, एक्सटेंट कहां कहां पे एप्लीकेबल है, एक्सटेंट है ना, होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया. थर्ड कमेंसमेंट, कमेंसमेंट. सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स इमीडिएटली. सेक्शन 1 क्या, सेक्शन 1 कुछ भी नहीं है, ये तो इंट्रोडक्शन है ना. सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स इमीडिएटली एंड रिमेनिंग सेक्शंस, रिमेनिंग सेक्शंस ऑन डिफरेंट डेट.
remaining sections on different date through notification. Remaining section on different date through notification. बराबर है? अरे हाँ क्या नहीं? करेक्ट, सेक्शन वन हो गया. अब उसके बाद किन लोगों को फॉलो करना है, मतलब हुआ ये लॉ किसको अप्लाई करता है. ये देखो एप्लीकेशन, किन लोगों को ये लॉ कंप्लाई करना है. ओके, तो लिखो आप एप्लीकेशन, पहले लिखने का कंपनीज अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ. कंपनी अंडर दिस एक्ट, ये एक्ट के अंदर जो रजिस्टर हुआ है, जब पुराने एक्ट में जो रजिस्टर हुआ है. कंपनीज अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ. कंपनीज अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ. उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, कंपनीज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट, सेपरेट लॉ. कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट, कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट. ठीक है ना भाई, पक्का? तो ये हो गया आपका सेक्शन वन. ये क्या हो गया बेटा कि भाई ये लॉ का नाम क्या है, कंपनीज एक्ट, किसको एप्लीकेबल है, सारे कंपनीज को, कि कहाँ कहाँ कौन से एरिया में एप्लीकेबल, होल ऑफ इंडिया को है, और कब से एप्लीकेबल है, अलग अलग सेक्शन का अलग अलग प्रकट दिवस है. समझे मेरी बात? गवर्नमेंट ने इसको इंस्टॉलमेंट में लेकर आए थे. ठीक है, अब इसके बाद सिंपल जो आ रहा है, एक सेकेंड, वॉट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी. जो भी इस एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है या जो भी पुराने कंपनीज एक्ट में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है वो सब कंपनी है इस एक्ट के लिए. जब भी वर्ड कंपनी है मतलब सब, जो ये कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुआ है या पुराने कंपनीज एक्ट 1956 में भी रजिस्टर हुए रहेंगे, 1866 में भी रजिस्टर हुए, वो सब हमारे हिसाब से कंपनीज है. करेक्ट है ना बात? देखो कोई भी एंटिटी प्रकट होता है तीन तरीके से, कोई भी एंटिटी क्रिएट होता है तीन तरीके से. जैसे कल मैंने आपको बोला बिजनेस करना है तो पांच एंटिटीज है. कौन से पांच है? पार्टनरशिप, HUF, LLP, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, ये पांच टाइप है. बट मैं बोल रहा हूँ कि देखो पांच में से हर एक को रजिस्टर या सबको बनने के तरीके अलग है. लाइक मैं अगर बोल रहा हूँ कि HUF कैसे क्रिएट होता है, बाय बर्थ. पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होता है, बाय एग्रीमेंट. कि सपोज हम दोनों एग्रीमेंट किए हम बिजनेस करेंगे, बस हमें बाकी रजिस्ट्रेशन करना नहीं करना देखेंगे, नोंदनी करना नहीं करना देखेंगे. समझे मेरी बात? तो वैसी कंपनी क्रिएट होता है बाय रजिस्ट्रेशन. कंपनी कैसे क्रिएट होता है? बाय रजिस्ट्रेशन. भले हम सब मेंबर्स रेडी हो गए, पैसे आ गए, बट जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं होगा ROC के पास, तब तक कंपनी क्या होगा बेटा, तब तक कंपनी पैदा या बर्थ नहीं होगा. आर एबल टू अंडरस्टैंड? तो जो भी पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर बर्थ लिए या ये कंपनीज एक्ट के अंदर बर्थ लिए, ये सब लोग हमारे लिए क्या बेटा, कंपनी है. दैट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 20. देखो यहाँ पे बेर एक्ट में देखते हैं, बेर एक्ट में देखते हैं क्या है ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 20. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ. करेक्ट है बात? तो किसके पास आप रजिस्टर होते हैं? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. सर ROC कितने इंडिया में, दिखाता हूँ मैं आपको. ये MCA का वेबसाइट है, यहाँ पे देखो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959. ये एक्ट के तहत आपकी बॉडी बनी है. समझे मेरी बात? ICMA जो बोलते हैं ना, करेक्ट है, ये बॉडी बनी है. तो वो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो गया, जो भी स्पेशल एक्ट के थ्रू कोई बॉडी बनती है. समझे मेरी बात? ये देखो एक्ट्स है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन पार्टनरशिप एक्ट, कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949,
आईसीए ये एक्ट के थ्रू बना है, ठीक है। जैसे आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हो बनने जा रहे हो, तो कॉस्ट अकाउंटेंट की जो बॉडी बनी ये एक्ट के थ्रू बनी है, सीएस की बॉडी आईसीएस ये एक्ट के थ्रू बनी है। तो ये सब क्या है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन विच इज क्रिएटेड बाय द सेपरेट एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। अब यहां देखो, यहां पर आपको नोंदनी करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास, आरओसी के पास। लगभग इंडिया में इतने आरओसी है, जबरदस्ती हर गांव हर गली में ऑफिस थोड़ी ना खोलेंगे, रेंट दिया जाएगा, सैलरी जाएगी, इतना काम तो होना चाहिए। और अभी तो ऑनलाइन हो गया ना, ये जो वेबसाइट एमसी है ये मिनिस्ट्रीज है, इसके अंडर आरओसी आता है, तो सब चीज़ ऑनलाइन है, तो जबरदस्ती ऑफिस खोल के फायदा नहीं है। शायद एक स्टेट के लिए एक आरओसी या चार पांच स्टेट मिला के एक आरओसी है, सिर्फ दो स्टेट में दो आरओसी है, दो दो आरओसी, महाराष्ट्र में दो आरओसी है एंड तमिलनाडु में दो आरओसी है, समझे मेरी बात। इसके अलावा दो आरओसी कहीं नहीं है, या तो चार पांच स्टेट मिला के एक आरओसी है। सर क्या मजाक कर रहे हैं, ये देखो आंध्र प्रदेश तेलंगाना करेक्ट, आसाम मेघालय मणिपुरा त्रिपुरा मिजोरम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, सब पहाड़ी एरिया, वहाँ पे बिजनेस करना मुश्किल है, टूरिज्म ज़्यादा रहता है इतनी कंपनीज नहीं, इतना बिजनेस नहीं है। मैं बीन टू दिस प्लेसेस, उत्तराखंड भी गया हूँ मैं, करेक्ट है, आप भी गए होंगे, करेक्ट है। तो ये ठीक है, मतलब इट्स अ गुड प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, बट इतना बिजनेस इंडस्ट्रीज नहीं है ना जितना चाहिए। ओके, बिहार में एक, झारखंड में एक, छत्तीसगढ़ में एक, दिल्ली हरियाणा एक, गुजरात एक, गोवा दमन दीव एक, जम्मू कश्मीर हाँ हाँ, कर्नाटका एक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में दो, मुंबई पुणे, ओडिशा पुडुचेरी और पांडिचेरी, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, तमिलनाडु में दो, कोयम्बतूर एंड चेन्नई, समझे मेरी बात। तो ऐसे करके आई गेस कुछ 19-20 आरओसी के ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया में। ओके, और इन आरओसीज के ऊपर बेटा आते रीजनल डायरेक्टर आरडीज, जैसे हमारे होता है वेस्टर्न रीजन, नदर्न रीजन, सदर्न रीजन, कर रहे होते कि नहीं, तो दो चार आरओसी के ऊपर कौन है बेटा, रीजनल डायरेक्टर्स आरडीज, करेक्ट है। ये देखो रीजनल डायरेक्टर्स ईस्टर्न रीजन, ठीक है, नदर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, साउथ ईस्ट रीजन, वेस्टर्न रीजन, सात आरडीज बनाए हमने, और इनके ऊपर कौन है, एमसीए मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की एक अलग मिनिस्ट्री है, आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आप कंपनी कैसे बर्थ लेता है, बाय रजिस्ट्रेशन विद आरओसी। तो जो भी पुराने कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ है या ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ है, ये सब क्या हमारे लिए, कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, समझे मेरी बात। जब भी वर्ड कंपनी आया तो समझ जाने का अभी वाले भी और पुराने वाले भी, इतना आपको याद रखना है, करेक्ट है। ये एक्ट बोलना चाह रहा है, ये देखो रीड करो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जो ये एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है, रजिस्टर हुआ है, या पुराने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुआ है, वो सब क्या बेटा, कंपनी है, क्लियर बात है। सब प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब क्या, ये भी डिफाइन किया है सेक्शन 2, आगे जाके सब सेक्शन 60 में आएगा, देखना प्रीवियस कंपनी लॉ मींस द लॉ स्पेसिफाइड बिलो विच इज इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर ऑर्डिनेंस, कंपनी ऑर्डिनेंस 1942, कंपनीज एक्ट 1956 और एनी ऑफ द लॉज, जम्मू कश्मीर के हिसाब से पोर्चुगीज कोर्ट, सिक्किम एक्ट 1966, ये सब कौन सा एक्ट है, सिक्किम के लिए अलग कंपनीज एक्ट था, जम्मू कश्मीर के लिए अलग था, ये सब हटाकर अभी एक कर दिया, कंपनीज एक्ट 2013, समझो मेरी बात, करेक्ट है। ये सब प्रीवियस कंपनी लॉ है, मतलब अपने ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर भी पढ़ते थे, मेरी बात मानो, नॉलेज कम था, सिर्फ लोग से बिजनेस में लगे हुए थे, बट लॉ बेस्ड नॉलेज बहुत ही कम अवेयरनेस था, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, इसलिए प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ी हम जैसे लोगों की, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। अभी इस जाके ये प्रैक्टिस बना हमारा कि लोगों को लॉ को नॉलेज नहीं, हम देंगे, हम इंप्लीमेंट करेंगे, करेक्ट है बात। तो प्रीवियस कंपनी लॉ डिफाइन कहा किया है, 2 सबसेक्शन 67, ये लिखने की जरूरत नहीं है, देखो नीचे से डेफिनेशन नंबर लिख लो, प्रीवियस कंपनी लॉ
previous company law 2 subsection what 67 में defined है. टू सबसेक्शन बेटा 67 है ना, सब डेफिनेशंस की तरह सेक्शन 2 में है, बराबर है कि नहीं? सब डेफिनेशंस की तरह सेक्शन 2 में है, करेक्ट है. अब मुझे बताओ इंडिया में आरओसीज कितने स्टेट वाइज है? स्टेट वाइज एक आरओसी है, दो चार स्टेट मिला के एक आरओसी, सिर्फ दो स्टेट में दो दो आरओसी है, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, करेक्ट है बात. और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो 7-8 स्टेट मिलाकर एक आरओसी, इतना काम भी नहीं है. अरे गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन क्रिएट होता ना. चलो आरओसी की ऑफिस खोल दिए बट सब ऑनलाइन हो गया, क्या करेंगे हम खोलकर? सैलरी कितनी देनी है? नहीं करना है. और आरडीज कितने? 7, करेक्ट है. आरओसीज के ऊपर आरडीज रीजनल डायरेक्टर्स, प्रोसीजर समझो आप, करेक्ट है. कल आप कोई भी कॉस्ट ऑडिट करने गए तो कंपनी का ही करेंगे, समझे मेरी बात. तो जब कंपनी में जा रहे हैं तो कंपनी क्या होता है, कंपनी का टाइप क्या होता है, कंपनी का गवर्निंग लॉ कौन सा है, आपको मालूम होना चाहिए ना, ये सीधी बात है. तो कंपनी एक्ट का नॉलेज होना चाहिए, नो डाउट. सीएस इसमें डिटेल में प्रैक्टिस करते हैं बट हमें नॉलेज तो होना पड़ेगा. हम प्रैक्टिस हमारे एरिया में करेंगे, कॉस्टिंग एरिया में करेंगे, बट अनलेस अंटिल यू डोंट नो कंपनी तो आप कैसे क्या करोगे? कल बोलेंगे कि कंपनी के ऑडिटर के बारे में बोलो, कंपनी एक्ट में लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए, समझेगा मेरी बात. तो अभी ये देखो, हम अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करेंगे. ये चार्ट नहीं लिखना है, मेरे साथ चलना है. सबसे पहले आप सब बताएंगे व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बोलो. पब्लिक कंपनी लाइन से, व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी, एक सेंटेंस तेरे हिसाब से बता, क्या लोड ले रही, इतना क्या टेंशन है, बोलो. व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी फॉर यू? Too many people. Don't worry. What is a public company? All publics are invited. Okay. Public in large is invited. Commando, हाँ. आप try करो, आपको जो आता है, एक line, दो line, आधा line. हाँ यहाँ पे. Owned by the government and minimum government. Okay, beta. Yes. What is a public company? Don't worry. It's fine if you are answering. Bolo, beta. No idea. No idea. कोई दिक्कत नहीं. सबसे पहले आप definition देखोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा जिंदगी में कि भाई बहुत भारी लिखा है. Public company means which is not a बहुत भारी है ना. फिर what is private company? Which is not a, फिर है क्या? अरे भजन करेंगे क्या हम? तो जो भी प्राइवेट है वो छोड़कर बाकी सब पब्लिक है, इतना उसका मतलब. तो प्राइवेट क्या है ये जानना पड़ेगा, प्राइवेट क्या है ये जानना पड़ेगा. मतलब उन्होंने क्या कर दिया भाई, देख लो प्राइवेट की फीचर फुलफिल कर रहा है तो प्राइवेट, नहीं तो फिर कौन है? पब्लिक, ऐसा बोला उन्होंने. तो मतलब ऐसा हो गया, तुझे आंसर बताएगा नहीं, उसके पास जाओ उसको पूछो, फिर उसको बता तुझे आंसर नहीं, इसके पास जाओ, ऐसा नहीं कर रहे हैं. तो लिखो नीचे, नीचे लिखना टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, हेडिंग लिखो पब्लिक कंपनी. क्या डेफिनेशन बनाया है, मतलब हाइट है डेफिनेशन का. टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले आपको वहां पे लिखने का पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71. सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, दो में डेफिनेशन है, उसके दो के पैराग्राफ के अंदर सब पैराग्राफ 71 पे आ जाओ, ऐसा वो बोल रहा है, करेक्ट है. मालिक ने कहा पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट नहीं है. तो फिर प्राइवेट क्या है देखना पड़ेगा, करेक्ट है. तो एक काम करो, दो तीन लाइन छोड़ देना यहाँ पे, यूज होने वाला दो तीन लाइन छोड़ दो.
अब नीचे लिखो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 प्राइवेट। ये देखो सुनो मेरी बात, ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, दो मिनट होल्ड करो। देखो व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में ना अपने आर्टिकल्स के तहत, सर आर्टिकल्स क्या होता है आगे पढ़ेंगे, सी आपने सुना है आर्टिकल्स और मेमोरेंडम सुना है और नहीं मालूम है इट्स ओके, मालूम पड़ेंगे। आर्टिकल फिलहाल के लिए एक लेमैन की तरह समझो डॉक्यूमेंट है, क्या है बड़ा है? जिसके तहत कंपनी अपना कामकाज और रूल्स रेगुलेशन चलाता है, दैट्स इट। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट का नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, करेक्ट है। तो आर्टिकल्स के तहत तीन बातें करता है, या तो रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट लिमिट करता है, या प्रोहिबिट करता है। ठीक है, लिमिट में एक्सेप्ट ओपीसी 1% कंपनी, ये नई चीज है, आज अकेला आदमी भी कंपनी बना सकता है, ये नया कंसेप्ट है, ये 2013 एक्ट ने नया पैदा किया है, ओपीसी 1% कंपनी, डोंट वरी ये आएगा, ये नई चीज है आपके लिए, करेक्ट है। रिस्ट्रिक्ट क्या करता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सुनना बेटा ध्यान से, लिखने का कहीं नहीं है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। लिमिट क्या करता, मेंबर्स को 200 पे। प्रोहिबिट क्या करता, फ्रॉम सब्सक्राइबिंग, राइटिंग पे मत जाना, फ्रॉम सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज बाय पब्लिक। पहले नहीं पढ़ेगा आप, ये नहीं पढ़ेगा, देखो मेरी बात समझो। ठीक है, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स के तहत शेयर ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन डाल देता है, मतलब मना नहीं कर रहा है, शेयर ट्रांसफर करो बेचो, बट कुछ कंडीशंस है। जैसे एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर मेरे अकाउंट पे है, मुझे लग रहा है मुझे शेयर बेचना है, मुझे अंबानी को कॉल नहीं लगा रहा है कि देख भाई नाराज मत हो, तेरे से नाराज की कुछ नहीं, बट पैसे की जरूरत है तो मैं शेयर बेच रहा हूँ, परमिशन देना। अंबानी बोलता है भाई दो मिनट रुक सोच के बता दो, अरे ऐसा थोड़ी ना होगा, अंबानी कितने कॉल उठाएगा, लाखों करोड़ों लोग कॉल करेंगे शेयर बेचू क्या, शेयर बेचू क्या। तो पब्लिक कंपनी में पब्लिक के पास पैसा है, यहाँ से शेयर बेचा किसी और ने खरीदा, अंबानी वगैरह इन्वॉल्व नहीं होंगे। बट कल उठकर अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैको प्राइवेट लिमिटेड, मैको मतलब मयूर अग्रवाल, ठीक है, मैको प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स है, प्राइवेट लिमिटेड ये फैमिली बिजनेस है मेरा, मेरे मॉम डैड मेरे वाइफ और मेरे बीच में, करेक्ट है बात। और कल उठ के पापा बोलते हैं मुझे पैसे विड्रॉ करने के, मतलब पापा रुको पहला जो भी ये कंपनी के शेयर बेचना चाहता है एग्जिस्टिंग मेंबर को पहले पूछेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रीजन देगा कि क्यों बेचना है, और फिर वो शेयर हम चारों में जो भी बेचना चाह रहा है पहले आपस में बेचेंगे। ये हमारा क्लोज फैमिली बिजनेस है, फ्रेंड्स बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, इसमें पब्लिक नहीं आ सकता है। आर एबल टू अंडरस्टैंड, कल इंस्पायर की कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ, राज सर है, सलीम सर है, सब लोग हम शेयर होल्डर है, कल उठकर मुझे शेयर बेचना है तो मुझे पहले पूछना पड़ेगा बेचूँ कि नहीं, नहीं सब सब कोमल को खरीदना है शेयर्स तो कोमल को बेचना है बेचूँ क्या नहीं, वो बोलते नहीं बेच दो मत बेचो, समझे मेरी बात। बट रिलायंस में पूछने का काम नहीं है, तो मुझे बताओ शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, नॉट ट्रांसफरेबल है, या रिस्ट्रिक्टेडली ट्रांसफरेबल है। रिस्ट्रिक्टेडली ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्शंस है, ट्रांसफर कर सकते हो सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिटेशंस, देयर इज नो स्टॉपिंग, आप बेच सकते हो, बट पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। दूसरा, इस कंपनी में मैक्सिमम 200 लोग रह सकते हैं, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, 200 लोगों में कंपनी इससे ज्यादा अलाउड नहीं है, 200 ज्यादा है तो पब्लिक में कन्वर्ट करो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। और तीसरी बात, पब्लिक ये कंपनी के शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकता। कल उठकर डीमार्ट करेक्ट है, इसके शेयर आए तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, रैंडम आदमी है वो डीमार्ट का ओनर मुझे जानता नहीं, मैंने शेयर के अप्लाई किया, दे देगा शेयर। बट प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट, इट्स अ क्लोज फैमिली बिजनेस अंडर अ कंपनी फॉर्म,
करेक्ट है, तो यहाँ पर पब्लिक आके शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स डिबेंचर्स, समझो मेरी बात, जिसमें कंपनी में पैसा लगता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं समझना कि बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी में 200 लोग तक सीमित है। शेयर्स आपस में बेचने से पहले आपको पूछना है, और पब्लिक आकर पैसा नहीं लगा सकता है। सर मतलब शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कौन सी कंपनी? पब्लिक। सर 2000 लोग है, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी है। सर यहाँ पर कोई भी आके शेयर अप्लाई कर सकता है, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। तो ये तीन चीज अगर छोड़ दे तो वो कंपनी, तीन में से एक भी चीज छोड़ दी तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? पब्लिक, नहीं तो वो क्या बनेगा बेटा? प्राइवेट। आया ध्यान में? सर 200 की लिमिट के लिए इन्होंने कुछ और क्लेरिफाई किया। ये जो 200 है ना, इसको मैं स्टार कर रहा नीचे, और यहाँ 200 की लिमिट पे क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ। अगर मैं, मेरी वाइफ और मेरे पापा ने मिलकर एक शेयर होल्ड किया, समझे मेरी बात, ज्वाइंट होल्डिंग, अरे प्रॉपर्टी जैसे ज्वाइंट ओनरशिप होती है ना, प्रॉपर्टी में दो तीन मालिक है, ये सब, ये क्लासरूम है, इसमें तीन लोग का नाम लिखा, ज्वाइंट ओनरशिप। तो मैं, मेरी वाइफ और मेरे पापा ने MRF के शेयर खरीदे। MRF का शेयर कितने का है? लिख रहे, यस 66,000 के आसपास एक शेयर खरीदा हमने। हम बोले क्या iPhone खरीदते, चलो एक शेयर खरीदते हैं, करेक्ट है बात। तो हम तीनों ने मिलकर 20,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और हमने एक शेयर खरीदा, चलो ऐसे न्यू ईयर की खुशी में, सही कहने। तो अब मुझे बताओ, अब तीन MRF तो पब्लिक हो गया, बट प्राइवेट के अंदर एक शेयर खरीदा, तो हम तीन मेंबर माने जाएंगे, एक माने जाएंगे, क्या माने जाएंगे? समझे क्या मेरी बात? तीन लोग ने मिलकर एक शेयर खरीदा, या तीन लोग ने मिलकर 10 शेयर खरीदे ज्वाइंट ओनरशिप में, तो वो तीन काउंटिंग होंगी क्या, एक काउंटिंग होगी कि नो काउंटिंग होगी? लॉ ने बोला जहां पर ज्वाइंट होल्डर है, भले वहां देखो मैक्सिमम तीन लोग ज्वाइंट ओनरशिप कर सकते हैं शेयर्स में, ठीक है तीन, बट वो एक ही कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं तो यार 200 की लिमिट तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगी, जबरदस्ती छोटी छोटी कंपनीज को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जहां पर भी ज्वाइंट ओनरशिप है वहां पर बेसिकली सिंगल मेंबर की तरह ही ट्रीट करना है। और एक चीज है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर देता है ESOP, कि भाई तूने बहुत बढ़िया काम किया, तेरे को कैश नहीं देंगे, 50,000 बोनस नहीं देंगे, 50,000 के कंपनी के शेयर देंगे। सर इससे क्या होगा? अरे अगर एम्प्लॉय को कंपनी के शेयर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करेगा, कंपनी ग्रो करेगा तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, अरे हाँ के नहीं। अब जैसे मेरे जिया जी है, ही इज वर्किंग इन Amazon, Amazon में बैंगलोर में काम कर रहे हैं, उनका कुछ 40 लाख का पैकेज है और 3 साल का बॉन्ड साइन किया है, 1,20,00,000 रुपये मिलेगा, और तुमने 3 साल बढ़िया काम किया तो तुम्हें 30 लाख के ESOPs मिलेंगे, Amazon के शेयर मिलेंगे, हर साल 10-10 लाख के शेयर मिलेंगे। अब Amazon अभी स्टॉक मार्केट US में लिस्टेड है, $1,500 चल रहा है, उनको 10 शेयर मिला, कंपनी की ग्रोथ हो गई, उन्होंने भी बहुत काम किया, वो शेयर हो गए $1,800, अब हो गए $2,000। वो बोलता भाई ये कंपनी ने अपने को जिंदगी दी है, ये कंपनी के लिए अगर रात को ही बुलाए आना है आ जाएंगे भाई, सोचो ना वो हार्डवर्किंग हो जाएगा ना एक तरीके से। तो उसको बोलते ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय को स्टॉक दो, शेयर दो, ऑप्शन प्लान, उनको बोनस कैश देंगे, खर्चा करेगा, कुछ नहीं करेगा, जहाँ से नखरे करेगा, कार ले लेगा, थोड़ा घूम के आ जाएगा, फोटो सेल्फी डाल देगा, बाकी कुछ नहीं होगा, बट उसको शेयर दिए तो उसके काम आने वाला एक दिन, जिस दिन 10 साल बाद Amazon और बड़ा हो जाएगा तो उसकी कीमत कितनी रहेगी, कैन यू इमेजिन। तो ऐसा अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर बांट रहा है, अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी पुणे में 4,000 एम्प्लॉय काम पे, 400 एम्प्लॉयज़ को ESOP देते हैं हर साल, अरे अगर वो 400 को भी पकड़ेंगे तो लिमिट तो 200 से ऐसे ही क्रॉस हो गई, उनको शेयर दे के रियल में कोई इन्वेस्टमेंट आया है क्या? नहीं। तो कंपनी को जब रियल में पैसा रेज करना है मार्केट में जाकर शेयर बेच के, तो अब ऑलरेडी लिमिट क्रॉस हो गई, हमें पब्लिक नहीं बनना है, हमें पहले प्राइवेट, क्यों? पब्लिक के प्रॉब्लम्स बहुत है, पब्लिक के कंप्लायंसेस बहुत है, तो ये बोलेगा देखो हम घर के 10 ओनर हैं और 400 एम्प्लॉय को हमने शेयर दिए, इधर ही 410 हो गए। लॉ बोलता है अगर एम्प्लॉय को शेयर दिए एज अ एम्प्लॉयमेंट, नॉट एज अ इन्वेस्टर, एम्प्लॉय भी तो इन्वेस्टर बन सकता ना। अरे क्लास में अगर मैं बोलता हूँ सर मैं वो 10 लाख पढ़े दे दूँ क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर दो ना, वो अलग बात है, और एज अ एम्प्लॉय मुझे दिया, समझे मेरी बात, वो अलग रहता है ना। तो एज अ एम्प्लॉय शेयर दिए है वो लोग भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे, 200 की लिमिट में काउंट नहीं होने वाले। मतलब मेरे जिया जी अगर Amazon प्राइवेट लिमिटेड में, और Amazon प्राइवेट लिमिटेड में ऑलरेडी ओनर्स 190 है,
और 400 एम्प्लॉइज को हमने शेयर बांटे कि बढ़िया काम किया तुमने, ये लो इंसेंटिव शेयर के फॉर्म में, तो 400 एम्प्लॉय काउंट होंगे कि नहीं होंगे? नहीं। अगर काउंट होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 190 प्लस 400, 590, तो 200 के इंटरप्रिटेशन में जो एम्प्लॉयज को शेयर मिले हैं वो काउंट नहीं होंगे। ज्वाइंट होल्डर है वो सिंगल मेंबर माने जाएंगे, सिंगल मेंबर माने जाएंगे। सर आपके जिया जी काम कर रहे हैं, उनको शेयर मिला, अब नाराजगी हो गई एक दिन कंपनी के साथ, वो छोड़ दिए, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिए, दूसरी कंपनी ज्वाइन हो गए, बट शेयर नहीं बेचे, शेयर दिल पे लगा के रखे कि 10 साल बाद ये $1500 $3000 हो जाएगा, शेयर नहीं बेचेंगे, शेयर उनका राइट है, इन्वेस्टमेंट है वो, तो जॉब छोड़ दिया बट शेयर अपने पास है, तो वो बन गए फॉर्मर एम्प्लॉय। वो क्या बन गया बेटा? फॉर्मर, पुराने एम्प्लॉय छोड़ के जो गए, तो वो काउंट होंगे कि अभी नहीं? ऐसे तो लोग आते रहते जाते रहते आते रहते जाते रहते, 4000 एम्प्लॉय में 200 एम्प्लॉय छोड़ के भी जाते हैं, फिर 200 लेते हैं वो भी जाते हैं, ये चलता रहता है, फिर तो कंपनी को वो भी काउंटिंग करेंगे। देखो उनको शेयर्स किस फॉर्म में दिए थे? एज ए एम्प्लॉय दिए थे, अब भले वो शेयर होल्ड कर रहे हैं बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो भी वो काउंट नहीं होंगे। समझिए क्या मेरी बात? थोड़ा और देता मैं क्लैरिटी। देखो जितना डिटेल पढ़ोगे ना उतना दरिया है। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। शेयर ट्रांसफर रोका है, प्रोहिबिट है कि रिस्ट्रिक्ट किया है? रिस्ट्रिक्ट, मना नहीं किया है, कर सकते शेयर ट्रांसफर बट सब्जेक्ट टू सर्टन क्राइटेरियाज कंडीशंस, एक्सेप्ट ओपीसी, ओपीसी छोड़ दो, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, ओपीसी आपको नहीं मालूम है छोड़ दो, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एंड प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज इन द कंपनी। पब्लिक यहाँ के शेयर, कल आप बोलते हो कि सर हमें भी क्लास के अंदर पैसे लगाने हैं, नहीं भाई आउटसाइडर नॉट अलाउड, ये क्लोज फ्रेंड्स बिजनेस है, समझे मेरी बात? सर मेरे को रिलायंस लगा ना भाई, मार्केट में जाओ शेयर मिल रहा है, खरीदो, कोई भी लगा सकता है, करेक्ट है? तो देखो सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एंड प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी। अब ये देखो ये 200 को क्लेरिफाई किया, प्रोवाइडेड दैट टू और मोर मेंबर्स होल्ड द शेयर्स जॉइंटली, जॉइंट ओनर्स शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। वहां मैं, मेरी वाइफ और मेरे पापा ने मिलकर शेयर, हम तीन मेंबर नहीं एक ही मेंबर माने जाएंगे, समझे मेरी बात? प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और क्लेरिफिकेशन 200 की लिमिट के लिए, पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, जो अभी एम्प्लॉयमेंट में है या वो एम्प्लॉयमेंट में थे फॉर्मली बट अभी भी मेंबर्स है, कंटिन्यू टू बी मेंबर, भले एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिए, सीज्ड एम्प्लॉयमेंट, सीज्ड छोड़ दिए, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। समझे क्या मेरी बात? करेक्ट। तो इन शॉर्ट ये प्राइवेट है, ये छोड़कर अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो बाकी सब पब्लिक है, आया ध्यान में? करेक्ट। तो एक काम करो, सबसे पहले ये ऐसा लिखना है, ये वाला पार्ट ऐसे लिखो, राइटिंग आपको समझेगी नहीं, मैं आपको डिक्टेट करता हूं, लिखो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 करेक्ट, उसमें लिखने का, हाँ उसमें लिखने का कि एरो बना के लिखना, विच बाय इट्स आर्टिकल्स, विच बाय इट्स आर्टिकल्स डिवाइड इंटू थ्री पार्ट्स, पहला पार्ट रिस्ट्रिक्स, दूसरा पार्ट लिमिट्स, तीसरा पार्ट प्रोहिबिट,
रिस्ट्रिक्ट्स में लिखना रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ठीक है ना. लिमिट में लिखना दो पार्ट एक्सेप्ट ओपीसी. ओपीसी में मिनिमम वन मैक्सिमम वन है. वन पर्सन कंपनी नाम ही देखो ना वन पर्सन वन मैन शो करेक्ट है. तो लिमिट में दो पार्ट है एक्सेप्ट ओपीसी. सेकंड पार्ट है लिमिट टू 200 मेंबर्स. लिमिट टू 200 मेंबर्स एंड तीसरा पार्ट प्रोहिबिट. प्रोहिबिट व्हाट प्रोहिबिट. प्रोहिबिट पब्लिक फ्रॉम सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी. प्रोहिबिट पब्लिक फ्रॉम सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी. बराबर हुआ करेक्ट है. अब नीचे लिखना एक्सप्लेनेशन फॉर लिमिट ऑफ 200. 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 लिखने का इफ देर आर ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स. इफ देर आर ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स. इफ देर आर ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स ठीक है. दे विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल मेंबर. दे विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल मेंबर. They will be considered as a single member. Okay, joint holder है तो single member की तरह treat करेंगे. Second लिखना, the person who is in employment of company, person who is in employment of the company, or who were in employment or who were in employment who were in employment but are the shareholders as an employee but are the shareholders as an employee. But are the shareholder as an employee. As an employee उनको share मिले, as an investor नहीं मिले. अगर जो company सब मैं TCS में job करता हूँ, Tata Consultancy Services, और TCS में basically मैं मुझे as an employee 10,000 share दे दिए, example. But as a मेरे पास 1 crore रुपये और पड़ा, मैंने और share खरीदे, तो as an investor मेरे पास भी share है और as a employee भी है. तो as an employee अगर आपके पास share है, then आगे लिखना, then you are not counted in the limit of 200. You are not counted in the limit of 200. You are not counted in the limit of 200. ठीक है ना. तो ये हो गया आपका which company private company. आप जो बोल रहे थे बेटा वो सब government company है. जो आप बता रहे थे सही था बट वो गवर्नमेंट कंपनी था. गवर्नमेंट कंपनी एक प्राइवेट कंपनी भी बना सकता है. गवर्नमेंट कंपनी में 50 जो शेयर्स है वो होल्ड होता है. दिखाता हूँ मैं आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है. गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार केंद्र सरकार या राज्य केंद्र सरकार मिलाकर. तो वो कौन सी कंपनी हो गई.
गवर्नमेंट कंपनी. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये देखो, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड इंक्लूड्स अ सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी. ये चीज थोड़ा सा हम देखेंगे, सिंपल. अब एक मिनट, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, क्या डेफिनेशन है? वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच ओनली वन पर्सन इज द मेंबर. वाह, एकदम सिंपल. सेक्शन 2 सब सेक्शन 62, लिखो ये चीज, लिखो. वन पर्सन कंपनी मीन्स, ये नई चीज है, आएगा आपको थोड़ा अभी, सिर्फ इतने एक लाइन में नहीं समझ में आएगा. 2 सब सेक्शन 62, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज द मेंबर, विच हैज ओनली वन पर्सन एज द मेंबर. Which has only one person as the member. Correct है बात? Clear हो गया? Section 2, subsection 62. अब government company आप समझ लिया? Section 2, subsection 45. But एक चीज उधर समझनी है. समझो मेरी बात. Example की तौर पे अगर मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है? अगर कल उठ के महाराष्ट्र government को लगता है कि यार अपने हर नागरिक या अपने सब लोगों को पानी पूरी एक रुपए में मिले, क्या मिले? ये सरकार चाहती है हर कोई खाए, फले फूले, बड़े ज्ञान गणित मिले, करेक्ट है? तो महाराष्ट्र महा गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में, हाँ, वड़ा पाव अठाने में मिलेगा, अठाना वाला बंद हो गया, 50 पैसा, करेक्ट है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पानीपुरी लिमिटेड बना दी, पानीपुरी लिमिटेड, और पूरे पैसे लगाए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, 100% पैसे लगाए, तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई. अब ये मॉडल सक्सेसफुल हो गया, हर गाँव हर गली हर कोपरे में पानीपुरी एक रुपये में मिल रहा है बेटा, अनलिमिटेड पानीपुरी, बस एक रुपये दे के जाओ. ओके, अब ये मॉडल सक्सेसफुल हो गया, गवर्नमेंट बोलते हैं पानीपुरी के साथ अब और एक चीज़ ऐड करनी चाहिए. क्या ऐड करना है? क्या चाहिए एक रुपये में? हाँ, पिज़्ज़ा. अब लूटो गवर्नमेंट को, मतलब फ्री का मिल रहा है तो मतलब पिज़्ज़ा खाएगा अभी तो. पानीपुरी ठीक है, 5-10 रुपये पानीपुरी एक रुपये मिल रही है, मतलब 200 रुपये का पिज़्ज़ा देखो एक रुपये में चाहिए बेटा, वाह बहुत आगे जाएगा तू जिंदगी में, है ना? बताओ और क्या चाहिए? चलो पिज्जा कर लेते, नाराज क्यों है? अपने एग्जाम्पल में कुछ भी चिटका सकते हैं. हाँ, फिर इन्होंने क्या किया, और एक कंपनी बनाई, पिज्जा महा लिमिटेड. पिज्जा महा लिमिटेड के 2 रुपये में पिज्जा मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर, और इसमें पैसा लगाया पानीपुरी लिमिटेड ने 70% या 60% पैसा लगाया, 50% से ज्यादा. तो जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी में आधा से ज्यादा शेयर होल्ड करता है तो ये होल्डिंग माना जाता है, ये सब्सिडरी माना जाता है. होल्डिंग कि मेरा उसमें दबदबा है, वजन है, और ये सबॉर्डिनेट सब्सिडरी, समझो मेरी बात. तो ये जो भी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है वो भी गवर्नमेंट कंपनी का दर्जा मिलेगा. इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही तो कंट्रोल कर रहा है ना. मुझे तो पिज्जा लिमिटेड में कौन डिसीजन लेगा? पानीपुरी. और पानीपुरी में कौन डिसीजन लेगा? महाराष्ट्र. तो इनडायरेक्टली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही पिज्जा लिमिटेड में डिसीजन लेगा. तो लॉ ने बोला, यहां देखो कि भाई अगर सब्सिडरी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की, देखो इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी की अगर सब्सिडरी है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, वो भी गवर्नमेंट कंपनी है. गवर्नमेंट कंपनी हमारे एग्जाम्पल में कौन है? पानीपुरी लिमिटेड. उसकी सब्सिडरी कौन है? पिज्जा. तो पिज्जा भी गवर्नमेंट कंपनी. लिखो ये डेफिनेशन, देख के लिखो. सेक्शन 2 सबसेक्शन 45.
गवर्नमेंट कंपनी लिख रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 यस कौन सी कंपनी में प्राइवेट कंपनी के शेयर्स सेल किए हैं नए नए जन को खरीदा ठीक है बेचा उसमें जो होल्ड कर रहे हैं तो अभी मैं कम हो गया सपोज एग्जांपल मैं कोई प्राइवेट कंपनी में शेयर्स है मैंने बेच दिया मतलब एक मेंबर कम हो गया और वो लोग ऐड हो गए समझे मेरी बात सपोज एग्जांपल है कि हम तो 50 और 50 तो दो मेंबर हो जाएंगे करेक्ट चलेगा तो आज हमने एक तरीके से टाइप्स ऑफ कंपनी देखा हमने सेक्शन 1 पूरा समझा कंपनीज एक्ट का हमने आपको सेक्शन 2 का दिखाया कि भाई क्या ओवरव्यू है फिर हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 देखा 2 सबसेक्शन 68 देखा 2 सबसेक्शन 67 देखा 2 सबसेक्शन 20 देखा फिर गवर्नमेंट कंपनी 2 सबसेक्शन 45 देखा आज के लिए इतना ही जय हिंद जय महाराष्ट्र जय माता दी थैंक यू